मैं विजय सर, श्रद्धा इंटर कॉलेज कचना, राजा तला, वाराणसी, कक्षा 12, कला वर्ग हिंदी के। अब प्रेम माधुरी की जगह पर आज हम आपको यमुना, यमुना छवि, छवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पहला पद पढ़ाने जा रहे हैं। आइए उसको पहले पढ़ लेते हैं। देखिए यह पद है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सो जल पसरन हित मनहु सुहाए। किधो मुकुर में लखत उजकी सब निज निज शोभा, कै प्रवन जल जानी परम पावन फल लोभा। मनुआ तब वारन तीन को सिमटी सबे छाए रहत, केहरी सेवा हित नय रहे निरखिल नयन मन सुख लहत। यहाँ यमुना छवि में प्रकृति का मानवीकरण करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक ललिता नाम की स्त्री से या सहेली से पूरी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ श्री कृष्ण की परम भक्ति को भी दर्शाया गया है। कठिन शब्द बीच में हम आएगा, हम बताते चले जाएंगे। देखिए तरणी तनुजा माने होता है कि सूर्य पुत्री, तरणी माने सूर्य होता है, तनुजा माने पुत्री होता है, वह सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। तट माने किनारे, तमाल माने तमाल का, तरुवर माने पेड़ होता है, बहुत छाए माने छाए हुए हुए होते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यमुना के नदी के किनारे पर तमाल के पेड़ के घनी छाया छाए हुए हैं, झुके कुल सो जल पसरन हित मनहु सुहाए। कुल माने किनारा होता है, यमुना नदी के किनारे पर तमाल के वृक्ष झुके हुए हैं, जो जल की तरफ झुके हुए हैं, उसे देख करके हमारे मन को अत्यधिक प्रसन्न कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। किधो मुकुर में लखत उजकी सब निज, उत्पेक्षा अलंकार होगा किधो में, किधो मुकुर मैंने दर्पण, लखत मैं देख कर उचकी मैंने उझुक उझुक कर सब निजी शोभा। उनको देख कर ऐसा मानो लग रहा है कि उझक उझक कर, वे तमाल के बीच अपने पंजों पर, जैसे कोई होता है अपने पंजों पर उझक उझक कर देखने लगता है ऊंचाई पर रहने पर, तो ऐसा लग रहा है जैसे वह तमाल के बीच अपने पंजों पर उझक उझक करके यमुना नदी के जल के दर्पण में अपनी शोभा को क्या कर रही हूं, सुंदरता को देख रही हूं। कै प्रवन जल जानी परम पावन फल लोभा, मानो ऐसा लग रहा है कि यमुना नदी के पवित्र फल की कामना के लिए ये तमाल के वृक्ष झुक करके यमुना नदी के जल के पानी को क्या करना है, प्रणवत प्रणाम कर रही है। मनु आतप वारन तीर को सिमिटी सबे छय रहत, और मानो ऐसा लग रहा है कि यमुना नदी के किनारे पर सभी तमाल के वृक्ष आपस में मिल करके यमुना नदी के जल के ऊपर छाए हुए हैं। के हरि सेवा हित आतप, वातावरण छाए हुए हैं जिससे कि यमुना की नदी का जल गर्म न होने पाए, अर्थात गर्म नहीं होगा, जिससे क्योंकि अगर गर्म हो जाएगा तो श्री कृष्ण को इसमें स्नान करने में क्या होगा, तकलीफ होगा। के हरि सेवा हित है नयन निरखी मन शोभा, और ऐसा लग रहा है कि यह तमाल का वृक्ष झुक करके, यमुना नदी के किनारे झुक करके लगातार श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, इसको देख करके मेरा मन भी अत्यधिक आनंदित हो रहा है। यह व्याख्या है, इसका काव्यगत सौंदर्य होगा, भाषा ब्रज होगा, गुण माधुर्य होगा, अलंकार अनुप्रास तरनी तनुजा तट तमाल तुरु अच्छा में अनुप्रास अलंकार होगा, किन्हो मुकुर मन लखत उजकी दि शोभा में उत्पेक्षा अलंकार होगा, मनु आतप वारन तीर को सिमटी रहे सब छाए में उत्पेक्षा अलंकार होगा, और यहाँ श्रृंगार रस का ही वर्णन होगा क्योंकि यहाँ सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है और एक तरह से भक्ति का भी वर्णन किया जा रहा है। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो में आज छोटे में इसको पढ़ा लिया, अगले वीडियो में फिर से। धन्यवाद।